वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आई एम बिंदु मैम. टुडे 23 फरवरी. ये आपका दूसरा वीडियो है. क्लास वन के बच्चे अपना टेक्स्ट बुक खोल लें. पेज नंबर 56 और 57. 56 में आपका कविता दिया गया है जो कि आपको गृह कार्य के लिए बताया गया है. याद कर लें और जांचिए परखिए 57 पेज में. तो इसे आप याद करें, जांचिए परखिए. हम इसका उत्तर प्रश्न उत्तर सब लिख दिए हैं. पहला नंबर है उत्तर दीजिए. तो चैप्टर का नाम सीख है. ये आपका वीडियो 2 है. इस तरह से आप देखें कि हमें किस तरह पढ़ना चाहिए. तो आपकी कविता में बताया गया मन लगाकर पढ़ो, खूब ऊंचे चढ़ो, इतना पढ़ो कि उन्नति कर सकें. तो यहाँ हम लिख दिए हैं किस तरह से पढ़ा, मन लगाकर बहुत पढ़ना चाहिए. ये आपका एक का को कंप्लीट हो गया. और नंबर जो है हमें सबके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए. तो आपका जो कविता है उसे हम बार बार कह रहे हैं कि उसे याद कर लें ताकि आपको कहीं कोई बेचक ना हो. तो यहाँ पे कह रहा है कि बैर को छांट दो, प्यार को बांट दो, मत किसी से डरो, सबका आदर करो. तो यहाँ पे क्या कह रहा है, हमें सबके साथ आदर का व्यवहार करना चाहिए. ये आपका सटीक आंसर है. क का कंप्लीट हो गया. ग नंबर प्रश्न है, प्यार का रस पीने का क्या अर्थ है. तो शब्दार्थ में भी लिखाए थे और फिर से प्रश्न भी पूछ रहा है. तो प्यार का रस पीने का अर्थ जो है यहाँ पे आपके कविता में बताया गया, झूठ बोलो ना तुम, व्यर्थ डोलो ना तुम, फूल बनकर जियो और प्यार का रस पियो. तो इस कविता से आपका जो है यही अर्थ होता है, प्यार का रस पीने का अर्थ आपस में एक दूसरे से प्रेम करना है. यही आपका सही जवाब है. इसे आप नोट कर लें, कविता और प्लस जो है प्रश्न उत्तर याद कर लें. फिर हम आगे के वीडियो में आपका आपके लिए 2 3 4 5 6 दिया गया है 5, इसे हम आगे के वीडियो में कंप्लीट करेंगे और इसे उतार कर बहुत ही सुंदर अक्षरों में आप याद कर लें.